कोरोना को लेकर दुनिया भर में खौफ का माहौल है, जिसको देखते हुए सरकार ने भारत को लॉकडाउन कर लोगों से घरों में रहने की अपील की। ऐसे में लॉकडाउन का सबसे ज्यादा असर मजदूरों और गरीबों पर पड़ रहा है। कुमाऊं की लाइफलाइन कही जाने वाली गौला नदी का सीना चीरकर सरकार को करोड़ों रुपए का राजस्व देने वाले गौला खनन के मजदूर आज भुखमरी के कगार पर आ गए हैं। गौला नदी के वो मजदूर जो दिन रात अपना खून पसीना एक कर गौला नदी से खनिज निकालते थे ताकि सरकार को करोड़ों रुपए का राजस्व मिल सके, लेकिन आज कोरोना वायरस के चलते देश में हुए लॉकडाउन का सीधा असर इन मजदूरों पर पड़ा है। ये मजदूर अपने परिवार के साथ सड़क किनारे झोपड़ियां बनाकर रहते हैं। डरे सहमे मजदूर और उनके बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, लेकिन सरकार का कोई नुमाइंदा या इनका ठेकेदार इनके सुध लेने नहीं पहुंचा। कुछ मजदूरों को उनके ठेकेदार ने हफ्ते भर का राशन दिया, लेकिन अन्य मजदूर रोजी रोटी को मोहताज दिख रहे हैं। ये मजदूर अपने घर जाने को तैयार है, लेकिन प्रशासन या वन निगम के अधिकारी इनकी सुध नहीं ले रहे। ऐसे में कुछ मजदूर पैदल ही अपने अपने घरों की तरफ चल पड़े। मैं बीमार हूं साहब, बहुत दर्द है और गोली ले आओ दिखा लेते हैं, हम बहुत परेशान हैं यहाँ, एक पैर हाथ दुखी है। कोई आया मदद के लिए? कोई नहीं आओ ना, मदद तो ना कह दे। क्या चाहते हो आप सरकार से, क्या चाहते हैं? हमें मदद कर दे सरकार से, बहुत चाहते हैं। राशन की कितनी किल्लत हो रही, कब से आपको राशन? अरे राशन नहीं मिला, बिल्कुल ना राशन ना कोई चीज मिली हमें, बिल्कुल नहीं मिला कुछ भी। कहाँ से आ रहे हो? गोला से। गाड़ी वाड़ी नहीं मिली? नहीं सर। कैसे पहुँचोगे? पैदल पैदल जाना है। कितना किलोमीटर है? साढ़े 300 किलोमीटर। कैसे पहुँचोगे, कितने लोग हो? करीब है 18 लोग हैं। बच्चा भी साथ में? बच्चे भी साथ में है। कैसे खाना वाना है? कुछ नहीं है। प्रशासन से बात की? किसी से नहीं, कुछ बात नहीं हुई। पहुँच जाओगे? गौला नदी में खनन करवाने वाली सरकारी एजेंसी वन निगम है, जो कि इन मजदूरों की मदद करने का दावा तो कर रही है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। वन निगम के आला अधिकारियों का कहना है कि चोर गलिया क्षेत्र में रहने वाले 700 से अधिक खनन मजदूर प्रशासन द्वारा अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाए जाएंगे, वहीं उनके खाने के लिए राशन की व्यवस्था भी की गई है। हम लोगों ने वन निगम की ओर से जितने भी हमारे गेट हैं वहाँ पर स्वच्छ जल के पानी के टैंकर की व्यवस्था कर रखी है, और उनके भोजन की व्यवस्था भी हम लोग कर रहे हैं, और प्रशासन के सहयोग से कल हम लोगों ने 787 जो लोग बदायूं बरेली अलीगढ़ के थे उनको उनके घरों को भेज दिया है। आज भी जो है हमारे दो गेटों पर हल्दू चौड़ और बेरीपुरा पर जो है अभी चेकअप चल रहा है, और हम प्रशासन के सहयोग से उनको जो है आज 10 बसें फिर भेजने की तैयारी कर रखे हैं। उत्तराखंड सरकार ने लॉकडाउन का फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लॉकडाउन के फैसले से पहले कर दिया था, लेकिन गौला में काम करने वाले हजारों की संख्या में मजदूरों की खाने पानी की व्यवस्था नहीं कर सके, जबकि सरकार ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए हर जिले को करोड़ों रुपए का फंड आवंटित किया है, लेकिन जब इन मजदूरों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा तो ऐसी सरकारी सुविधा का क्या फायदा। पंजाब केसरी के लिए हल्द्वानी से तारा जोशी की रिपोर्ट।